Hello, 5th standard students. How are you all? Take out your creative drawing book. Yellow drawing book नहीं निकालना है, creative book निकालनी है अभी. Second lecture है drawing का. Open your book. Page number 3 पर आइए. Basic elements of art. By giving the knowledge about the basic elements of art of drawing, we acquaint the children with basic ingredients of art. Basic elements of art are lines, colors, shapes, shade, light. Here, lines, colors, shapes, shade, light. Here, basic elements in art. Now about lines. Various types of lines are as follows. लाइन कई तरह की होती है. अ वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, अ स्लैंटिंग और ओब्लिक लाइन, अ ब्रोकन लाइन, अ ज़िगज़ैग लाइन, क्रिस क्रॉस लाइंस, थिक एंड थिन लाइन. वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का मतलब सीधी लाइन होती है ना, नीचे से ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि बिल्कुल आड़ी रेखा, जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं. स्लैंटिंग लाइन मतलब कि थोड़ी सी आड़ी, स्लैंटिंग और ऑब्लिक लाइन भी कहते हैं उसे. ब्रोकन लाइन, ब्रोकन लाइन मतलब हम रेन ड्रॉप बताने के लिए ये त्रुटक त्रुटक रेखा बनाते हैं, उसको ब्रोकन लाइन्स कहते हैं. ज़िगज़ैग लाइन मतलब ये लाइन्स, इसे ज़िगज़ैग लाइन कहते हैं. क्रिस क्रॉस लाइन मतलब क्रॉस क्रॉस, इसे क्रिस क्रॉस लाइन्स कहते हैं. थिक और थिन लाइन यानी कि जाड़ी, घट और पतली, इसे थिक और इसे थिन लाइन्स कहते हैं. अ लाइन इज क्रिएटेड बाय जॉइनिंग मैनी पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर एक लाइन बनता है. फॉर्म्स आर क्रिएटेड बाय लाइंस एंड अ पिक्चर इज क्रिएटेड थ्रू दिस फॉर्म्स. नाउ अबाउट कलर. कलर एग्जिबिट द एक्सप्रेशंस ऑफ आवर माइंड इन अ पिक्चर. कलर शो अस द कंडीशन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग. कलर्स के जरिए हम इंसान उस चीज़ के बारे में अच्छे से जान पाते हैं कि वो इंसान कैसा है. जैसे कि आगे लिखा, वी कॉल हेल्दी चाइल्ड अ रोजी बेबी. फॉर वीकनेस और सिकनेस वी से हैज बिकम पैल येलो. हम गोल मटन ताज़ा गुलाबी बच्चा देखते तो वो बोलते हैं रोजी बेबी, यानी कि कैसा गुलाबी गुलाबी बच्चा है. जब कोई बीमार सा इंसान है, कुछ उन्हें तबीयत ना चाहता है, तो हम बोलेंगे हैज बिकम पैल येलो, कैसा पीला पड़ गया है, बोलते हैं ना. हम जब हरियाली छाई होती है बारिश का मौसम या ऐसे मौसम में, हम लीव्स को कलर करते हैं लीव्स के अंदर ग्रीन. जबकि पानखर का मौसम यानी कि ऑटम का मौसम जब आता है, तब वो तब के उस मौसम के लीव को कलर करते हैं हम येलो. यानी कि तब पत्ते सूखे होते हैं, झड़ने आते, पत्ता पीला पड़ जाता है ना. कलर के बारे में हम उस समय का ये भी बता पाते हैं भाई कौन सा मौसम है. कलर्स मेक आवर वर्ल्ड ऑल्सो कलरफुल. दुनिया कलर्स के जरिए हमारी दुनिया भी बड़ी रंगीन हो जाती है, रंगीन है कलर ही की वजह से. कलर्स मेक अस एक्सपीरियंस डिलाइट. कलर्स कैन मेक अस लाफ और कैन मेक अस सैड टू. कलर हमें हंसा भी सकता है और फिर हमें दुख की लागनी भी उजागर कर पाते हैं कलर. इफ द वाइट रेज ऑफ द सन आर स्प्लिट विद द हेल्प ऑफ अ प्रिज्म, द सनलाइट कैन बी सीन डिवाइडेड इनटू अ स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स. दिस 7 कलर्स आर सीन इन द रेनबो. दिस कलर्स आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. मीन्स विद योर एक कांच आता है जिसे प्रिज्म कहते हैं,
उस पर कांच के एक तरफ अगर हम रोशनी डालेंगे और दूसरी तरफ दीवार पे 7 कलर छुट्टे मिलेंगे आपको, आगे बहुत आगे आप जान पाएंगे, बुक में आएगा, लेकिन इधर थोड़ा सा बताया है। कोई भी वाइट कलर के अंदर 7 कलर छिपे हुए होते हैं, जैसे कि रेनबो कैसे आसमान में दिखता है, तो भाई वो कोई रोशनी कहीं पे पानी का जमाव रहा होगा या बूंद होगा तो उस पर गिराए चाहे वो सूरज की रोशनी, और फिर आसमान पे उसी रोशनी के जरिए 7 कलर छूटे पड़े हैं। वो कलर्स हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, यानी कि विभिन्न। वायलेट का वी, इंडिगो का आई, ब्लू का बी, ग्रीन का जी, येलो का ओ, ऑरेंज का ओ, आर का रेड, यानी कि विभिन्न। कलर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रेड्स, 3 ग्रेड में हम बांट सकते कलर को, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, टर्शियरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स यानी कि बेसिक कलर्स, नाउ अबाउट प्राइमरी कलर्स, रेड, येलो एंड ब्लू आर प्राइमरी कलर्स। ये रेड, येलो और ब्लू कलर्स प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं, जिसे हम बेसिक कलर्स भी कहते हैं। ये कलर कोई कलर के मिक्सिंग से नहीं बनते हैं, ये बिल्कुल प्योर होता है, इसकी आभा चमक ही अलग होती है। दे आर नॉट मेड बाय मिक्सिंग एनी अदर कलर्स, दीज कलर्स आर प्योर एंड लस्टरस, है ना, ये बिल्कुल प्योर रहता है और लस्टरस रहता है, तेज में ही रहता है। नंबर टू, सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स यानी कि जो कोई जो प्राइमरी कलर की मिक्सिंग से जो कलर हमें मिलता है उसे सेकेंडरी कलर्स कहेंगे हम। द सेकेंडरी कलर्स आर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग प्राइमरी कलर्स, रेड और येलो मिक्स करोगे तो ऑरेंज कलर मिलेगा, रेड और ब्लू मिक्स करोगे तो पर्पल कलर मिलेगा, येलो और ब्लू कलर मिक्स करोगे तो भाई ग्रीन कलर मिलेगा। तो इस तरह ऑरेंज, पर्पल एंड ग्रीन आर सेकेंडरी कलर्स, ऑरेंज, पर्पल एंड ग्रीन आर सेकेंडरी कलर्स, दीज कलर्स आर कंपेरेटिवली लेस क्लस्टर्स, प्राइमरी कलर्स की तुलना में कंपेरिजन ये कम लस्टरस रहता है। नाउ अबाउट टर्शियरी कलर्स, टर्शियरी कलर्स आर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग सेकेंडरी कलर्स, कुछ दो सेकेंडरी कलर की मिक्सिंग से जो कलर हमें मिलता है उसे टर्शियरी कलर्स कहेंगे। टर्शियरी कलर्स आर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग सेकेंडरी कलर्स, ऑरेंज और पर्पल मिक्स करोगे तो ब्राउन कलर मिलेगा, पर्पल और ग्रीन कलर मिक्स करोगे तो एश या स्लेट कलर मिलेगा, ग्रीन और ऑरेंज मिक्स करोगे तो चिली ग्रीन मिलेगा। दीज कलर्स आर इम्प्योर एंड डल और फैडेड, ये बिल्कुल इम्प्योर होता है, डल होता है, फैडेड। बिसाइड्स दिस कम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, कॉन्ट्रास्टिंग कलर स्कीम, वार्म कलर एंड कूल कलर्स आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर स्कीम बाय विच पेंटिंग कैन बी डन। पेंटिंग में इसके अलावा कुछ और भी कलर स्कीम्स है, जैसे कम्प्लीमेंट्री, कॉन्ट्रास्टिंग, वार्म एंड कूल कलर्स, वो हम आगे चल के सीखेंगे, यहाँ हमें पता भी है थोड़ा थोड़ा इनमें। बिसाइड्स लाइन्स एंड कलर्स, शेप्स एंड लाइट शेड आर ऑल्सो द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। शेप और लाइट और शेडिंग, लाइट एंड शेडिंग वो पेंसिल के जरिए भी कर सकते हैं, कलर के जरिए हमें पता है। आगे चलकर फिर से ज़्यादा मालूमात करेंगे। लाइन्स आर यूज टू मेक फॉर्म्स टू शो द डेंसिटी एंड डेप्थ ऑफ द फॉर्म्स, लाइट शेड आर यूज, दस लाइन कलर फॉर्म एंड लाइट शेड आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द आर्ट ऑफ ड्राइंग। इस तरह कलर फॉर्म, लाइन कलर फॉर्म और लाइट एंड शेड ये बेसिक एलिमेंट्स है आर्ट ऑफ ड्राइंग। चलिए अभी ये एक्सप्लेन कर दिया, अब ये पेज नंबर 6 पर आइए। पेज नंबर 6 आपकी बुक में, पेज नंबर 6, कैलीग्राफी मैथमेटिकल डिज़ाइन फॉर्म, मैथमेटिकल डिज़ाइन यहाँ पे है कुछ। थिंक ऑफ द न्यू डिज़ाइंस कमिंग इन यूज
while learning the subject of mathematics on the basis of the symbols of these types. Draw two or three designs of this type in your artbook. ये बाद में देखिए. ड्राइंग में हमेशा बेटा याद रखिएगा ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स साथ में रखना है. कलर, पेंसिल, इरेजर के अलावा आपको ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो प्लास्टिक के आते हैं, इसके अलावा कंपास यानी कि राउंडर की भी ज़रूरत पड़ सकती है. तो हमेशा ड्राइंग करने बैठे तो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ज़रूर साथ में रखें. डिफरेंट पैटर्न मैथमेटिकल डिज़ाइन पैटर्न विथ कैलीग्राफिक स्केचेस आर शोन अबव. स्टडी देम. द स्केचेस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस विल be helpful in cultivating an understanding about the mathematical symbols along with the design of pictures. Study this design. देखिए और से देखिए mathematical design कैसे हैं. square है, इसके ऊपर फिर थोड़ा सा आड़ा रखे square, फिर दूसरे में है ये shape, छः angle वाला कौन, छः angle वाला shape चार बार दोहराया. यहाँ पे देखिए एक फ्लावर का गुमान होता है. ये लाइन वर्टिकल लाइन, ये स्लैंटिंग लाइन, फिर यहाँ पे एक तारा यानी कि स्टार का गुमान होता है. यहाँ पे एक वॉलीबॉल, यहाँ पे सन, थोड़ा अलग अंदाज में. तो ऐसा ही हम पेज नंबर 6 पे बनाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे. या फिर कोई और मैथमेटिकल डिज़ाइन आपको आता है तो वो बनाएंगे पेंसिल से. अब नीट एंड क्लीन वर्क करना है आपको, और अगर लगे कि नहीं बिल्कुल परफेक्ट बनाए तो आप उसके ऊपर कलरिंग बॉल पे कलरिंग अलग अलग डिफरेंट कलर के स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं सिर्फ लाइन बताने के लिए. तो इसमें करना है पेज नंबर 6 का देख कर, पेज नंबर 7 पर आपको पेज नंबर 7 पर बनाना है. ये बड़ा बॉक्स दिया गया है यहाँ पर, ब्लैंक स्क्वायर के अंदर आपको बनाना है. डू द कैलीग्राफ स्केचेस ऑफ मैथमेटिकल डिज़ाइन पैटर्न इन 6 स्क्वायर्स गिवन अबव. यूज पेंसिल और पेन फॉर डूइंग स्केचेस. आपको अगर कोई और आता है मैथमेटिकल डिज़ाइन फॉर्म तो वो बनाएंगे, या फिर डिटो ऐसा सेम टू सेम ऐसा ही ये 6 डिज़ाइन मैथमेटिकल डिज़ाइन फॉर्म यहाँ पे कॉपी करेंगे. अगर आपको और भी आता है कुछ अलग के एक दो या छः बना सकते हो, वरना पेज नंबर 6 पे जैसा है वैसा ही यहाँ पर बना. मैंने कुछ कुछ अलग टाइप का बनाया है यहाँ पर, अब देख पाएंगे. ओके, ये आपको रहा होमवर्क. आपको ये होमवर्क है, नीट एंड क्लीन वर्क चाहिए. बन जाने के बाद टीचर के नंबर पे सेंड करना है. ओके, ये आपको होमवर्क रहा. अब बाय चिल्ड्रन.